हम जब स्कूल पढ़ते थे तो पापा का पिताजी का चने का ठेला लेकर जब पान चुराए कर जाते थे और पान चुराए कर जब ठेला खड़ा करते थे तब भूख भी लगती थी पिता का। हम खुद देखते थे कि पिताजी को भूख लग रही है, तब चना भी उठाकर नहीं खाते। हम कई बार हमारे बड़े भैया ने पूछा, पापा भूख लग रही है, आप चना खा लो। तो पिताजी का शब्द होता था, दो रुपए का चना बिगड़ गया, वो दो रुपए हमें ले तो कांगा। घर का चना भी खेले का नहीं खाता था पिता का। पिता बताना, एक बेटे की जिंदगी बनाने के लिए, एक बेटी का विवाह करने के लिए कन्यादान करना है उसको, बेटी की शादी में लोग आएंगे उनको खाना खिलाना। खाना खाने वाला तो प्लेट में भोजन को 10 दिन में छोड़कर चले जाता है, भरी की भरी 200 रुपए की प्लेट छोड़कर चले जाता है। पर उस बाप से पूछना जिसने एक एक रुपया जोड़ा है अपनी बेटी की शादी के लिए कि आएंगे तो खिलाना पड़ेगा। एक एक रुपया जोड़ा है उस पिता ने, एक एक रुपया। केवल बेटी का शादी करना है, बेटे का काम धंधा लगाना है, बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे कपड़े पहनाना है, 500 रुपए उसकी जेब में है, पर एक रुपया खर्च नहीं करता पिता। एक रुपया क्या उसको पानी पटाता याद नहीं आता? जो तुम ठेले पर खड़े होकर 50 रुपए का खर्चा करते हो, तुम्हारे पापा तुम्हारे पिता को क्या वो पानी पटाता अच्छा नहीं लगता? तुम्हारे पिता को क्या चाउमीन अच्छी नहीं लगती? तुम्हारे पिता को क्या वो भगर अच्छा नहीं लगता? तुम्हारे पिता को क्या वो पिज्जा अच्छा नहीं लगता? तुम्हारे पिता को क्या बाजार में मिलने वाली गजक अच्छी नहीं लगती? तुम्हारे पिता को बाजार में मिलने वाला क्या भोजन अच्छा नहीं लगता? याद उसको भी आती है, खाना वो भी जानता है, जेब में पैसा भी है, फिर भी नहीं खाता है, क्योंकि मेरी औलाद को पढ़ाना है, उसका विवाह रखा है, नहीं खाता, छोड़ दो। और जिस दिन तुम पिता बनोगे और अपनी औलाद के लिए तुम्हारी जेब में भी पैसा होगा, मैं नवयुवक लड़कों से पूछना चाहूंगा जिनकी शादी हो गई, जो 40 साल 42 साल 45 साल की उम्र में चल रहा है, 50 साल की उम्र में चल रहा है, उनकी भी जेब में पैसा है तो भी जोड़ जोड़ कर चल रहे हैं बच्चों के लिए, नहीं खाते। इन 45 साल वालों से, इन 50 साल वालों से पूछना, ऑफिस में काम करना है, पुलिस की नौकरी, इसकी नौकरी, डॉक्टर की नौकरी, ये नौकरी, गवर्नमेंट की नौकरी करना है, एक चाय भी पीते हैं तो 50 सोचते हैं कि चाय पियेंगे तो 10 रुपए कट जाएंगे, छुट्टी नहीं लेंगे गवर्नमेंट की, छुट्टी लेंगे तो पैसा कट जाएगा, किसके लिए? केवल अपने बच्चों से। और बच्चे कहते हैं, पापा तुम एक प्लाट नहीं ले सके, तुम एक मकान नहीं ले सके? जरा उस बाप से पूछना जो कहता है, मैंने 4 बच्चों का पेट भरा, उनकी शादी करी, उनका पालन पोषण करा, तुम लोगों के लिए करा, इसलिए मैं मकान नहीं बना पाया, प्लाट नहीं बना पाया, जमीन गाड़ी नहीं बन पाया, तुम्हारे बाप जैसी दुनिया में कोई पूंजी नहीं हो सकती, पिता जैसी कोई दौलत नहीं हो सकती। जिंदा है तब तक लगता है तुमको कि तुमने कमाया है, चले जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि ये सारी दौलत उसी की तो थी, उसी की आशीर्वाद की थी। आज सबसे बड़ी खुशी की एक बात कहना चाहूंगा, बड़ी खुशी की बात कहना चाहूंगा। लोग पूछते हैं शिव पुराण क्या देती है, हमारे पास जो पत्र आते हैं, हमारे पास में जो मैसेज आते हैं, हजारों लाखों पत्र और मैसेज रोज सीओर में आते हैं प्रतिदिन। खुशी इस बात की होती है कि नवयुवक लड़के, नवयुवक बेटियां, नवयुवक बेटे अब बूढ़े माता पिता के प्रति समर्पित होना चाहते हैं।
लोग दूसरे सिमरन कह देती है, हम कहते हैं उनका समर्पण बड़ा है, उनका त्याग बड़ा है, उनका प्रेम बड़ा है, उनकी वात्सल्यता बड़ी है, उनकी करुणा बड़ी है। जो बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे थे वो वापिस थोड़ा ना थोड़ा अपने पिता का और माँ का आदर करना सीख गए, माता पिता का आदर करना। शिव जी ने क्या करा था, शंकर भगवान का सबसे पहला जनमानस को देने वाला गुण है, शिव जी ने देवताओं के लिए अमृत छोड़ दिया और खुद बोलो जन के बोलो जरा विष की। पिता ऐसे ही होता है, अपने बच्चों के लिए जोड़ 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 सब दे देता है, खुद खून का घुट भी जाता है। ठीक है करूंगा बाद में, तुम लोग खालों में खा लूंगा बाद में, तुम लोग कर लो कर लूंगा। ये पिता का गुण है, विष पीना तो जानता है। तो मंदिर में रहने वाले शिव और तुम्हारे घर में रहने वाले शिव तुम्हारे पिता कोई दूसरे नहीं है, वो शंकर का ही अवतार है, शिव का एक शिव उसको पहचान।